देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है। गोहाना में के गांव मुडलाना में जमीनी विवाद के चलते चली गोली। जी बता दें कि गोहाना के गांव मुडलाना के रहने वाले सतबीर ने गोहाना सदर पुलिस को शिकायत दी है कि मेरे चाचा रामदिया के दो पुत्र सुभाष और सुरेंद्र जमीनी विवाद के चलते आपस में झगड़ा कर रहे थे। आवाज सुनकर जब वह उनके घर पहुंचा तो सुभाष ने जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें गंभीर रूप से वह घायल हो गया। और जहां पर गंभीर हालात को देखते हुए उसके सपुत्र पुत्र जो है उसे गोहाना सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर गंभीर हालात देखते हुए खानपुर PGI उसे रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। जहां पर पुलिस ने बताया कि सतबीर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की छानबीन तेज कर ली गई है। और जो पिस्टल है वो भी अवैध बताई जा रही है और पुलिस ने वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई है और कुछ खाली खोल और पिस्टल के साथ साथ और भी कुछ बरामद किया गया है। और अब जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की छानबीन जो है अब पुलिस तेज करती हुई नजर आएगी। और बता दें कि जमीनी विवाद के चलते ही ये गोली आज चली है। गोली चलने का मामला सामने आया था, क्या पूरा मामला? कल गांव मुडलाना में 12:15 बजे के आसपास फायर हुआ है। उसकी सूचना जैसे हम मौके पर पहुंचे तो सुभाष और सुरेंद्र नाम के दो सगे भाई हैं गांव मुडलाना के, उनका आपस में पारिवारिक कोई जमीन को लेके झगड़ा हो रहा था। तो इसी बीच एक उनके परिवार से ही चाचा का जो लड़का है वो बीच बचाव करने लगा तो उसमें सुभाष की तरफ से फायर हुआ और सतबीर को वो लग गई। उसके बाद उसको इलाज के लिए खानपुर ले जाया गया, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। तो क्या बताया गया जी, क्या मामला है? क्या भाई इनका पारिवारिक कोई ज़मीन को लेके सुभाष और सुरेंद्र का कोई ज़मीन की खेवट को लेके इनका घरेलू मामला चला हुआ था, जो बीच बचाव करते हुए सतबीर को गोली लग गई। वो अभी सेफ है और अनकॉन्शियस मतलब खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। वो इलीगल वेपन था पिस्टल, जिसमें हमें 5 जिंदा कारतूस भी मिले हैं उसमें, और 2 बार फायर हुआ है। तो सारी फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच की गई है। तो कितनी गोली लगी है उसको? फिलहाल 1 गोली लगी है उसको और फायर 2 हुए। तो जो वेपन है वो भी बरामद? वेपन भी बरामद हो चुका है और जो मुलजिम है वो भी पुलिस की कस्टडी में है हॉस्पिटल के अंदर, उसको भी थोड़ी बहुत चोट लगी है, उसका उपचार चल रहा है। जी।